साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है, बीएसए प्रेड्स मेंस की तैयारी करने वाली। दोस्तों तैयारी आपकी कैसी है, 25 में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर आपको देना है अगर आप बीएसए प्रेड्स मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करेंगे लाइक, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और दोस्तों आप सभी के लिए हमारी टीम के द्वारा एक अच्छी बुक लेके आ चुके हैं, चक्षु पब्लिकेशन की, बीएसए कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए। यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे इस बुक को भी आप मंगवा सकते हैं। दोस्तों इनके बारे में डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। बीएसएफ की यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड्समैन की बुक है, जिसके अंदर बीएसएफ से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है और गणित है, और इसके साथ साथ में इंग्लिश लैंग्वेज के भी है। लगभग 2800 से ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और या फिर आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों कॉल करके भी मंगवा सकते हैं। तो अच्छे से यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट दे रखा, देखिए स्पेशल डिस्काउंट कोड भी आपको दे रखा है दोस्तों, अगर आप अच्छे से इसे परचेज कर सकते हैं। सभी सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं दोस्तों, एक एक सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज भी दे रखे, और दोस्तों बीएसएफ का इतिहास भी दे रखा है। अब हम कुछ मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर काफी महत्वपूर्ण और हेल्प करने वाला है। पहला प्रश्न देखेंगे मैथमेटिक्स का, क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चंस कह रहा है, यदि देखिए प्रश्न को आराम से पढ़ना है, उत्तर आराम से देना है। यदि 1999 में पहला मंगलवार है तो 2000 को कौन सा वार होगा। दोस्तों ध्यान रखें दोस्तों, 1 जनवरी 1999 को कौन सा वार है, मंगलवार है। कौन सा वार है दोस्तों, मंगल। सवाल है जनवरी 2000 के अंदर, तो दोस्तों 1 जनवरी 2000 को कौन सा वार होगा। मंगल के बाद कौन सा वार आएगा भैया, बुधवार आएगा। कौन सा वार, बुधवार आएगा। राइट आंसर बुधवार होगा। अब बोलेंगे बुधवार क्यों आएगा भैया, क्योंकि 365 दोस्तों 365 में अगर मैं 7 का भाग देता हूँ, 7 का 5 बार गया, पीछे 2 बार, शेष फल कितना बचा 1 बचा। तो मंगल के बाद मैंने 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ मंगल के बाद क्या आ गया, बुधवार हो गया। तो यहाँ पर आपका हो गया राइट आंसर, यस। और अगर ये पूछता कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा, तो मंगल बुध के बाद यहाँ गुरुवार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लीप वर्ष, यहाँ पर कितने दिन, 66 दिन, 2 ऐड करने पड़ते। बुध मंगल बुध बुध के गुरु ने यहाँ शुक्रवार आ जाता, क्या वार, शुक्रवार आ जाता, ये ध्यान रखना। तो जैसे लीप वर्ष होते वैसे आपको ध्यान रखना। चलिए देखिए आपका मैथमेटिक का, और दोस्तों इससे पहले अगर आप देखिए बीएसएफ SSB, CISF, इनके अगर आपको 50 पेपर सेट मिल जाए जिसके अंदर जैसा एग्जाम है वैसे के वैसे प्रश्न आ जाए, तो फिर आपको चाहिए क्या। अभी ₹151 चार्ज है दोस्तों, ₹151 चार्ज है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पेमेंट इस नंबर पे कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप जुड़ जाएंगे कि सर हमें BSF, SSB और CISF किसी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए। दोस्तों ₹151 मेरे हिसाब से, तो अगर आप पेपर से मिल रहे हैं और PDF फाइल भी, जो भी क्लास होगा उसका PDF फाइल भी हम आपको दे रहे हैं, तो आप अच्छे से इसे कवर कर लेते तो अच्छा आपका मेरिट बन जाएगा। और ₹151 दोस्तों ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो अभी ज्वाइन करें, यस ज्वाइन नाउ, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले गन के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए, प्रत्येक की भुजा कितनी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। करना क्या दोस्तों, यहां पर 6 सेंटीमीटर को 6 कुल घन पूछा है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो मेरे पास कितना दें, 216 हो जाएंगे। और कितनी काटनी है, 2 का क्यूब कितना होता है भैया, 8 होता है। अब जैसे प्रश्न आपको क्या क्या टोटल घन पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, बड़े घन की भुजा, बड़े घन बटा छोटे घन। बड़ा घन हमारे पास में 216 है, छोटे घन की भुजा कितनी है, 8, इसको आप करेंगे तो आपके पास 27 आंसर हो जाए, कितना हो जाए, 27 आंसर हो जाए। ये फॉर्मूला है बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा, तो कितनी हो जाएगी, 216 बट्टा 8। तो प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 27 आपका राइट, 27। क्लियर, अच्छे से समझना है और ध्यान। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धन, कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 2 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो सवाल क्या पूछा गया, यदि 27
तो 3 गुना हो जाता है, 3 × 3 कितना गुना, 27 गुना, 3 × 3 9 गुना। 2 वर्षों की बात हो रही, पहले वर्ष 3 गुना, दूसरे वर्ष 3 गुना, तो 3 × 3 कितने हो गए, 9 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए, 9 वर्ष हो गए, क्लियर। 9 वर्षों के अंदर ही 27 गुना हो जाए। सीधा प्रश्न, सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु बी ओ ओ ए के बीच कुल दूरी क्या है। ये मैं आपको जो 15 नंबर क्वेश्चन है, ये एक लॉजिक प्रश्न है, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। इसका तो फॉर्मूला ही आता है, जैसे बिंदु दूरी ज्ञात करने, क्या पूछा, बीच की दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना। यस देखेंगे, कोष्टक बी एस बी का स्कोर प्लस ए प्लस ओ का स्कोर, इसका फॉर्मूला वही है। इसके फॉर्मूले के अंदर क्या करें, ए से एक कट गया तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस राइट आंसर। ये रट लेना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर मेरिट निकालने के लिए कुछ भी नहीं दे रखा, तो फॉर्मूला ध्यान रखें भैया। देखिए रूट 3 का दे रखा है 0.5, उसका देखिए 3/5, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या, सबसे पहले इस रूट की बात करें, देखिए 0.09, इसका कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। अब इसका जो 64 का दे रखा है, तो 64 का कितना हो जाएगा भाई, 64 का जाएगा रूट 3 0.064, उसके बाद क्या हो जाएगा 0.5, अब 3/5 का, तो 3/5 का। इसमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए 0.3 रूट, इसका रूट हो जाएगा यस, फिर देखेंगे कितना है 3 का रूट, रूट इसका निकल जाएगा 0.640 बराबर, इसका रूट निकल जाएगा 0.5, इसका रूट निकल 3/5, तो सबसे छोटा क्या है 3, इसका कितना जाएगा 6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.6, 3/4 का कितना होगा 0.6 हो जाएगा। देखिए सीधा प्रश्न में आपको बता, उत्तर झंझट करने की जरूरत नहीं है। देखिए देखिए भैया, इसका तो आपके सामने हो गया रूट 0, इसका तो हो गया 0.9, हाँ चला गया भैया। देखिए इसका तो कितना हो गया 0.3, क्लियर। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा 0.4, इसके बाद 0.5, अब 3/5 इसका कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 0.6 यस। अब इसका समीकरण देख लीजिए, 3.4, 0.6, 0.6, 17। प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा यही रहेगा भैया, क्या रहेगा, यही रहेगा 0.3 यस। छोटे बड़ों का अंतर देखना, देखिए 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1। देखिए सबसे पहले लेते हैं अम्ल अनुपात पानी, इसका है 2:1, तो इसका अनुपात के अंदर बढ़ लेंगे तो इसका आ जाएगा 40:20 हो जाएगा, लीटर हो जाएगा 40:20, तो इसका कितना 60 लीटर हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है दोस्तों, 1:2, तो अम्ल और पानी इसका अनुपात कितना है 1:2, तो ये हो जाएगा 20:40 हो जाएगा, तो इसका 20:1, देखिए 20:40 कितना पूछा है, पहले कितना है 60 है, कितना है आपके पास 60 लीटर है। अब इसमें पूछा 1:2, तो 1 के अंदर आपका लीटर कितना है, 1 के अनुपात के अंदर लीटर कितना है, लीटर कितना है, तो यहाँ पर कितना लीटर है 40 लीटर है, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 40 ये कितना 120 हो जाएगा। अब सवाल है 120 में से आपका कितना 60 को आप लेस करेंगे, तो आपके पास में कुल लीटर पानी कितना मिलाया गया, 60 लीटर पानी मिलाया गया, कितना लीटर मिलाया गया पानी 60 लीटर मिलाया गया। प्रश्न कितना लीटर 60 लीटर सीधे प्रश्न है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आप कर। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं ना, अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर 100% दोस्तों काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी, काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, फिर बोलेंगे सर आपने तो हमारे लिए बहुत अच्छा कर दिया है। तो अच्छा ही करना है,
तैयारी करने के लिए, क्योंकि जितना आप अच्छा कवरेज करेंगे उतने आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा भैया, बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल है। ये पेपर आप ज्वाइन कर लीजिए भैया, बिल्कुल। अभी चार्ज है, वो चार्ज भी हमने बहुत लो चार्ज रखा है, चार्ज हमने लो चार्ज रखा है, मात्र 151 रुपये चार्ज हमने रखा है। जो BASF ले लो, CASF ले लो, सभी का आप ले लीजिए भैया, सभी का आप ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दे रखा है, अच्छे से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 50 मॉडल पेपर सेट है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी हेल्प मिलेगी भैया। अभी आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरी स्थिति का। देखिए, दो संख्याओं का मसप है, छिन्नू लसप है, इतना और है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का एक ही फॉर्मूला है दोस्तों। कौन सी संख्या? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मसप इंटू लसप। ये पहली संख्या क्या दे रखी है? 864 दे रखी। दूसरी संख्या हमें एक्स ज्ञात करनी है। मसप कितना आपके पास में? 96। लसप कितना है? 1296। कितना है? 1296। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, देखिए, 96 × 1296 और ये हो जाएगा 864, नीचे चला जाएगा। अब इस एक्स का मान आप ज्ञात कर लीजिए, आराम से इसका मान ज्ञात करेंगे कितना है, 144 आएगा। कितना है भैया? 144 आएगा। कैसे? देखिए, 12 से 12, 8 96 और 12 7 84, पीछे बचे 2, 12 का 2 24 बार गए। कितना गया? 72। 8 का भाग कितनी बार गया? 8 8 64, 8 9 72। 9 का सबसे पहले 1 बार गया, फिर कितने बचे? 3 बचे, फिर 4 बार गया, फिर 4 बार गया, तो यहाँ पर कितना है? 144 राइट। कितना बचा? 144 आपका राइट आंसर। 20 मदों का औसत 47 है। क्या 20 मद है, उसका एवरेज कितना है दोस्तों? 47 है, हो जाएगा आराम से। और बाद में पता चला गया कि 62 के स्थान पर 26 लिख दिया गया। क्या लिख दिया? 62 के स्थान। तो भैया 62 के स्थान पर 26 लिख दिया गया, तो वास्तविक समय क्या है? 36 है आपके पास है, 36 है। अब देखेंगे दोस्तों, अब इसको क्या करना, देखिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए, 20 × 47 तो 14 अंशल की 1 और 4 8 9, 940 हो। क्या हो गए? 940 हो। कितने हो गए? 940। 940 हो गए। अब इस 36 का क्या करें? 36 इसमें ऐड कर लो, 6 7 9, और इसमें 20 का भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 20 का भाग दे दीजिए, जिसका भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर 9 6 7। इसमें 2 का भाग दूंगा, पहले 4 बार चला जाएगा, फिर यहाँ पर 8 बार चला जाएगा, फिर कितने बार चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 48.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48.8 आ जाएगा। हो गया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया ना, देख लेते वापिस एक बार। देखिए, मैंने क्या बोला, 20 × 47, ये तो हो गया आपका 14 अंशल की 1, 4 4 8 9, कुल कितने हो गए? औसत एवरेज है। अब सवाल क्या, 62 के स्थान पर 26 क्या लिख दिए गए, तो हमारे पास में कितना छूट गया बीच में? 36 36, इसमें ऐड कर लेंगे, 6 7 9, इसमें हम 20 का भाग दे देंगे, आपका राइट आंसर आ जाए 48.7। यस, अगला देखिए, 20 संतरों की लागत मूल्य संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 कितनी है? लागत के बराबर है। या 16 है, कितना है? 16। टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने पहले ही देखा, मैं ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 16, देखिए, 20 रुपये की लागत है, विक्रय मूल्य 16 है। यस, तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया, लाभ प्रतिशत बराबर क्या है? लागत कितनी है? 20 है, माइनस विक्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य, 4/16 × 100, 4/16 100, कितना? 25%। कितना भैया? 25%। कितना? 25% करेक्ट आंसर। क्लियर? देखिए सवाल, सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4,
क्या है भैया? 3 अनुपात 6। देखिए मैं आपको बता दूं, वर्तमान आयु अमित की कितनी है, सुमित की कितनी है भैया? 3x, और अमित की कितनी है? 4x। कितनी है? 3x 4x। अब प्रश्न क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस ये कह रहा है कि 3x है इनकी आयु प्लस 20 वर्ष सुमित की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 62 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 62 हो जाएगी। अमित की वर्तमान आयु क्या है? तो भैया ये तो हो गई 62 हो गई। कितनी हो गई? 62। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन में करूँ तो 3x और 20 प्लस के अंदर यहाँ पर माइनस में हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 42। 3x बराबर 42 हो गए, तो x बराबर 42/3, तो 3 × 1 = 12। कितना x बराबर आपके पास कितना आ गया भैया? 14 आ गया। x बराबर 14 आ गया। अब दोस्तों x बराबर जो 14 आया है, तो हमने क्या माना? 4 × 12, यहाँ x का मान 14, तो 14 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 3 × 14 कर लेंगे, तो 14 × 28 = 34, 42, तो एक ही आ रही 42, एक ही आ रही 56। सवाल पूछा अमित की, तो अमित की कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। और सुमित की पूछे तो 42 हो जाएगी। देखिए एक ऐसा प्रश्न भी आता है, एक आयत का क्षेत्रफल वलक में क्या है? विकिरण 51 है, तो उसकी भुजा क्या है? इसकी भुजा क्या है? ए बी सी डी। विकिरण ये कितना भैया? 21 है, सॉरी 51 है। ये कितना है? और ये भुजा, एक भुजा कितनी है? 24 है। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए। इसका जो फॉर आपको क्या, बीसी ज्ञात करना है, ये भुजा ज्ञात करना, क्या भुजा? वर्ग ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, जैसे मैं लिख लेता हूँ, बी सी ज्ञात करना। बी सी बराबर क्या है? रूट, अंडररूट के अंदर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखेंगे बी सी बराबर 51 का स्क्वायर, ए सी कितना? 51 है, और ए बी कितना है? 51 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 24 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर आपको करना है। अब इसके अंदर स्कोर है, तो इस चीज को दो बार लिखना है, इस चीज को दो बार लिखना। कैसे? 51 प्लस 24 और 51 माइनस 24, दो बार लिखेंगे प्लस माइनस के अंदर, और इस रूट को आप कर लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, इसका हो जाएगा 75 इंटू इसका हो जाएगा 27। अब इसका रूट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर आएगा, लगभग 45। अब 45 का आपको क्या करना है? 45 ये आ गया 24, और ये आ गया कितना? 45। तो 24 × 45 अगर आप कर लेंगे, तो आपके पास में कुल जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 24 × 45, तो इसका आ जाएगा दोस्तों 1080। कितना है? 1080 वर्ग, 1080 वर्ग आपका राइट। तो ये कुछ प्रश्न थे, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मैंने ये बुक के बारे में आपको बताया है, ये हमारी ई बुक है, मॉडल पेपर सेट। अभी हमने इसमें कुल 61 पेपर करवा दी। कितने पेपर करवाए दोस्तों? हमने 50 का बोला और 61 पेपर हम करवा रहे हैं। BSF के लिए, SSB के लिए, CASF के लिए सबसे मेहरातन आपको मात्र 151 रुपये में। ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।